हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उत्सव, वेलकम टू आवर चैनल यूवी ब्लॉग्स। सो आज आप देख सकते हैं, आज मैं अपना आपको बैंक नोट कलेक्शन शो करने वाला हूँ। इसमें 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5, 50 एंड 100 रुपीज़ के बैंक नोट्स हैं। ये काफ़ी मेरा पुराना एंड रेयर कलेक्शन है। इसे मैं काफ़ी टाइम से, बचपन से ही कलेक्ट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉरेन बैंक नोट्स भी दिखाऊंगा, जिसे मैं काफ़ी टाइम से कलेक्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें रेयर और काफ़ी पुराने कलेक्शंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो सबसे पहला जो हमारा नोट है वो है 1 रुपीज़ का। ये मेरा 1 रुपीज़ का बंडल है। ये एस वेंकट रमन है, उस टाइम के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे। ये 1985 से 1989 के बीच में थे। सो यहाँ पे ये ईयर भी दिया हुआ है इसका, ये आप देख सकते हैं 1985। सो ये 1 रुपीज़ का। इसके बाद हम 2 रुपीज़ के नोट पे आते हैं। उस टाइम के जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे, ये थे आर एन मल्होत्रा। ये थे 1980 से 1981 के बीच में। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से सैटेलाइट बना हुआ है पीछे। सो ये 2 रुपीज़ का बंडल है। सो इसके बाद आते हैं, ये 1 रुपीज़ का नोट है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे उस टाइम में, ये थे एमजी कॉल। ये 1973 से 1976 तक थे। ये आप देख सकते हैं पीछे 1973 लिखा हुआ है। सो ये 1 रुपीज़ का बंडल हो गया। और यही सेम बंडल है एमजी कॉल का, ये भी उन्हीं का है, 1973 का टाइम का। सो इसके बाद ये आता है आईजी पटेल। ये थे 1968 से 1972 के बीच में। ये मेरे पास सिंगल नोट है। सो इसके बाद आते हैं ये एस भूतालिंगम। ये जो उस टाइम के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे, ये थे 1960 से 1964 के बीच में। सो ये काफ़ी पुराना बैंक नोट है। ये 2 नोट हैं इसके मेरे पास। सो इसके बाद हम आते हैं इस पे, ये है आई के झा। ये 1964 से 1966 के बीच में थे। इसके भी मेरे पास ये 4 नोट हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। सो जो सबसे पुराना बैंक नोट है मेरे पास 1 रुपीज़ का, वो है एच एम पटेल का। ये 1955 से 1958 के बीच में थे। ये आप देख सकते हैं, इसके 2 ही बैंक नोट है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पुराना 1 रुपीज़ का नोट है मेरे पास। सो ये हो गया हमारा 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ नोट्स का कलेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 रुपीज़ नोट्स का कलेक्शंस। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा 5 रुपीज़ बैंक नोट्स कलेक्शंस, ये आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बंडल से। ये है 5 रुपीज़ का बैंक नोट। सो इसके जो गवर्नर थे उस टाइम पे, ये थे बिमल चलान। सो ये जो गवर्नर थे, ये थे 1997 से 2003 के बीच में। सो ये पूरा 5 रुपीज़ का बंडल है। सो इसके बाद आते हैं हम इस पे। सो इसके जो गवर्नर थे, ये थे सी रंगराजन। ये 1992 से 1997 के बीच में थे। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये ट्रैक्टर बना हुआ है। और ये बंडल भी सेम है, सी रंगराजन का ही है। तो सेम ईयर है, 1992 से 1997 के बीच में। सो इसके बाद आते हैं, ये थे हमारा आर एन मल्होत्रा का। ये थे 1985 से 1990 के बीच में। ये सिंगल नोट है, इसके पीछे भी इस तरह का ट्रैक्टर बना हुआ है। और इसके बाद आता है ये है एस जगन्नाथन। सो ये जो हमारे गवर्नर थे, ये थे हमारे 1970 से 1975 के बीच में। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का, ये हिरन बना हुआ है। सो ये कुछ मेरे पास 3, 4, 5, 6, 7 नोट्स हैं इसके, ये एस जगन्नाथन। सो इसका ईयर हो गया 1970 से 1975। इसके बाद आते हैं एल के झा। ये आप देख सकते हैं, ये जो गवर्नर हैं, ये हैं एल के झा, लक्ष्मीकांत झा। ये थे 1967 से 1970 के बीच में। सो इसके पीछे गांधी जी बने हुए, ये मेरे पास सिंगल नोट है। सो इसके बाद आता है ये 5 रुपीज़ का नोट। ये औरों से काफ़ी बड़ा है। ये हैं इसके जो गवर्नर थे, ये थे पीसी भट्टाचार्य। ये थे 1962 से 1967 तक। ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास सिंगल नोट है। इसके जो गवर्नर हैं, ये हैं पीसी भट्टाचार्य। फिर ये आता है हमारे पास, ये है 5 रुपीज़ का नोट। ये मेरे पास ओल्डेस्ट नोट है 5 रुपीज़ का। इसके जो गवर्नर थे वो थे एच वी आर यंगनार। ये थे 1957 से 1962 के बीच में। सो इसके मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे एच वी आर यंगनार के ही हैं। ये 1957 से 1962 तक थे।
सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बैंक नोट्स मेरे पास कितने पुराने हैं। सो ये मेरे पास 5 रुपीस नोट्स का कलेक्शंस हुआ। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ 50 रुपीस एंड 100 रुपीस के बैंक नोट्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 50 रुपीस एंड 100 रुपीस नोट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 50 रुपीस का। ये मेरे पास सिंगल नोट है, ये है डी सुब्बाराव का, ये जो गवर्नर थे उस टाइम में, ये थे 2008 से 2013 के बीच में। सो ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, बस सिंगल नोट है मेरे पास, ये डी सुब्बाराव का। सो इसके बाद आता है ये नोट्स, ये है सी रंगराजन थे उस टाइम के गवर्नर, ये थे 1992 से 1997 के बीच में। इसके कुछ बैंक नोट्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये है सी रंगराजन। सो इसके बाद आते हैं ये जो 50 रुपीस का नोट है, ये है आर एन मल्होत्रा का, ये 1985 से 1990 के बीच में थे। सो इसका भी अराउंड मेरे पास हाफ बंडल है। सो ये हम देख सकते हैं आर एन मल्होत्रा। सो इसके बाद आता है ये सिंगल नोट है मेरे पास, ये है मनमोहन सिंह का। सो ये जो गवर्नर थे, ये थे 1982 से 1985 के बीच में, ये आप सब जानते ही होंगे मनमोहन सिंह को। सो इसके बाद ये आता है आईजी पटेल, ये गवर्नर थे 1977 से 1982 के बीच में। इसका भी मेरे पास सिंगल नोट है, ये है पुराना, है सिंगल नोट मेरे पास इसका। सो इसके बाद हम आते हैं ये 100 रुपीज़ के नोट्स हैं मेरे पास, ये है आर एन मल्होत्रा के, ये 1985 से 1990 के बीच में थे। इसके भी कुछ नोट्स हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप से इसका बैक है, ये है आर एन मल्होत्रा, ये 1985 से 1990। और एक सिंगल नोट है मेरे पास, ये है एन नरसिम्हा का, ये है 1977 में ही थे, ये सिर्फ सिंगल ईयर ही थे, गवर्नर रहे थे हमारे इंडिया के। सो इसके पास मेरे पास ये सिंगल नोट है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है। सो ये सिंगल नोट है मेरे पास एन नरसिम्हा का, 1997 का। सो ये मेरे पास था 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ नोट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फॉरेन बैंक नोट्स जो मेरे पास कलेक्ट है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ फॉरेन बैंक नोट्स हैं मेरे पास। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ये बैंक नोट है नेपाल का, आई डोंट नो ये कितना पुराना है, इसकी इंडियन वैल्यू अराउंड 1.25 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं 2 रुपये ये लिखा हुआ है। सो इसके बाद जो है बैंक नोट वह मेरे पास कोरिया का, ये है 1000 वॉन, इसकी जो इंडियन वैल्यू है वो है 60 रुपीज़ अराउंड, ये आप देख सकते हैं 1000 वॉन है। इसके बाद ये जो नोट है ये है भूटान का, ये आप देख सकते हैं नीचे बैंक ऑफ भूटान लिखा हुआ है, ये है अराउंड 5 का। सो इसकी इंडियन वैल्यू भी सेम ही है, 5 रुपीज़ ही है अराउंड, ये आप देख सकते हैं रॉयल बैंक ऑफ भूटान। सो ये भूटान के ही नोट है मेरे पास, 5 रुपीज़ का हो गया, ये 2 का हो गया, देखिए ये हो गया 1 रुपीज़ के 2 नोट है मेरे पास बैंक ऑफ भूटान, एक ये हो गया हम देख सकते हैं, ये भी 1 रुपीज़ का ही नोट है, ये साइज में छोटा है। सो ये मेरे पास हो गया फॉरेन बैंक नोट्स कलेक्शन। सो ये था मेरा टोटल बैंक नोट्स कलेक्शंस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना कॉइन्स कलेक्शन दिखाऊंगा, जिसमें मेरे पास 200 से 300 साल पुराने कॉइन्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो अगर ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।